नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करोना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। गरीबों की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का किया ऐलान। सरकार ने तैयार किया 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और खाद्य सुरक्षा के जरिए सरकार देगी मदद। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार की ओर से दिए गए कोरोना राहत पैकेज पर रखी बात। कहा, हर जिले को 20 करोड़ रुपया नाकाफी, नई संसद और सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ भी जोड़ा जाए। तेजस्वी यादव ने कोरोना वायरस को लेकर नीतीश पर कसा तंज। कहा, राज्य में सुरक्षा उपकरणों के बिना डॉक्टर हो गए संक्रमित। पूछा, राज्य के 12 करोड़ बिहारियों की चिंता कौन करेगा। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन के बीच फ्लिपकार्ट ने शुरू की जरूरी सामान की सप्लाई। घर घर सामान पहुंचाएगा बिग बाजार। अमेजोन की सरकार से चल रही है बात। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कोरोना का कहर दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। देश में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 660 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज देश के किन हिस्सों में कोरोना के मामले सामने आए और कोरोना के संक्रमण की साइकिल को तोड़ने के लिए ही सरकार से लेकर प्रशासन के क्या बंदोबस्त है, देखिए रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। देश में इससे निपटने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को जरूरी सामान की किल्लत हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। इस बीच देश में कोरोना केस की संख्या 660 के पार पहुँच गयी है, जबकि 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। यहाँ झुग्गी बस्तियों में कोरोना संक्रमित मिलने से राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली में 900 लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दरअसल सऊदी से लौटी एक महिला ने मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया था। इस महिला से मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को कोरोना हुआ और फिर डॉक्टर की पत्नी और बेटी को। लेकिन अब मौजपुर इलाके के 900 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकारें भी अपनी ओर से कोशिशें कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, राज्य में अब तक 36 मामले सामने आए हैं। लोगों का अपने घर में रहना काफी जरूरी है। इसके अलावा अब दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों को इजाजत दे दी गई है और कई और राज्यों में भी राहत कोष के जरिए लोगों तक सामान भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से जंग में गरीबों जरूरतमंदों को राहत के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। कहा कि कोई गरीब भूखा न सोए, ये कोशिश रहेगी। सरकार कोरोना वायरस से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स को अगले 3 महीने के लिए 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी देगी। किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में डाली जाएगी। 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा। खैर, सरकार की ओर से अभी राहत देने का ऐलान कर दिया गया है। सभी राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने को तैयार है, लेकिन अब देखना होगा कि इस महामारी से देश कब तक निजात पाता है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की साइकिल को तोड़ा जाए। डॉक्टर्स और विशेषज्ञ लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक कर रहे हैं, उनके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन साल 2019 के अंत से अब तक कोरोना वायरस से फैली महामारी से संबंधित खबरों या एडवाइजरी में कोविड-19 का बार बार जिक्र हुआ है और इसे लेकर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कोविड-19 और कोरोना वायरस में अंतर क्या है। इसे समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। अब तक 20,000 से ज्यादा जाने ले चुका कोरोना वायरस दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इस कोरोना वायरस में कोविड-19 क्या है, ये सवाल बार बार उठता है। दरअसल कोविड-19 संक्षेप में है, इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज। चूंकि ये बीमारी 2019 में फैली, इसीलिए पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 हुआ। अब कोरोना का CO, वायरस का VI और डिजीज का D मिलाकर कोविड-19 नाम कर दिया गया। नया वायरस होने से इसे नोवेल कहा गया। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया। WHO के चीफ ने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखना चाहते थे कि इसका नाम ऐसा ना रखा जाए जिससे कोई कलंकित हो। WHO चीफ ने कहा, दरअसल नाम रखने के पीछे ये वजह है ताकि किसी और नाम का इस्तेमाल ना हो जो कि अनुचित और किसी को कलंकित करने वाला हो सकता है। उन्होंने कहा, भविष्य में किसी भी तरह के कोरोना वायरस का मामला आता है तो वो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है।
इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था और अब तक ये दुनिया भर के देशों में अपने पैर पसार चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि कोविड 19 और कोरोना वायरस में क्या अंतर है। इनमें अंतर कुछ भी नहीं, लेकिन आजकल तो इसने पूरे दुनिया को मुसीबत में डाल रखा है। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को जरूरी सामान की किल्लत हो रही है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा, ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दुनिया के हर देश में स्वास्थ्य हालात गंभीर है। कई देशों में तालाबंदी की गई है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। भारत में भी मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए संपूर्ण बंदी की गई है, ताकि ये मुसीबत दूसरे से तीसरी स्टेज तक ना पहुंचे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के इस फैसले की तारीफ की। WHO का कहना है, भारत ने जल्द संपूर्ण बंदी का फैसला लिया, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसके साथ ही WHO ने एक बात और भी कही है, कहा है कि सिर्फ संपूर्ण बंदी से ही इस मुसीबत को नहीं टाला जा सकता, इसके लिए कुछ और कदम उठाने की भी जरूरत है। WHO के चेयरमैन डॉक्टर ट्रेडोस की माने तो भारत के पास इस मुश्किल से उबरने की क्षमता है। तीसरे स्टेज को लेकर WHO चेयरमैन ने कहा, जिन देशों में सही वक्त पर कड़े फैसले नहीं लिए गए और सावधानियां नहीं बरती गईं, वहां पर इसका बुरा असर दिख रहा है। WHO ने ये भी कहा कि एक वक्त पर संपूर्ण बंदी करके इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, आगे प्लान में बदलाव भी करना पड़ेगा। जहां मामले ज्यादा हैं, वहां सावधानी बरतनी होगी, मतलब अलग अलग इलाकों में कई तरह के फैसले लेने होंगे। दरअसल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। इसके बाद PM मोदी ने संपूर्ण बंदी का ऐलान किया था, हालांकि अभी सरकार को कई अलग तरह के फैसले लेने होंगे। लॉकडाउन से भले ही कोरोना को खत्म ना किया जा सके, लेकिन उसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लॉकडाउन आपकी हमारी भलाई के लिए जरूर है, लेकिन इससे मंडियों में आग लगी हुई है। लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं देश में राशन तो खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए लोग घरों में राशन भरने लगे हैं। इस परेशानी का फायदा दुकानदार उठा रहे हैं और ज्यादा दामों पर सामान बेच रहे हैं। संपूर्ण बंदी मतलब सब कुछ बंद, लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगी हुई है, केवल जरूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को राशन खत्म होने का डर सताने लगा है। लोगों में जैसे घरों में सामान भरने की होड़ सी मच गई है। लोगों के इसी डर से राशन और सब्जियों की कालाबाजारी शुरू हो गई है और दुकानदारों के मनमाफिक दामों पर सामान बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी खाद्य सामग्रियों के रेट तय कर दिए हैं। मतलब अगर कोई तय दामों से ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो उसकी खैर नहीं, अगर कोई ज्यादा दामों पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने यही रेट लिस्ट सभी राज्य सरकारों को भी जारी करने का आदेश दिया है। अगर किसी राज्य में जरूरी सामान की रेट लिस्ट अभी तक किन्हीं कारणों की वजह से जारी नहीं हो पाई है, तो ऐसे राज्यों में रहने वाले लोग उपभोक्ता मामलों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर मूल्य निगरानी विभाग के ऑप्शन में हर तरह के सामान की रेट लिस्ट देख सकते हैं। वेबसाइट के हिसाब से अगले एक हफ्ते तक चावल 30 रुपए किलो और 5 किलोग्राम आटे के पैकेट का रेट 160 रुपए होगा। ये रेट कंपनियों के हिसाब से कम और ज्यादा भी हो सकता है। चीनी 38 और सरसों के 1 किलो तेल की कीमत 115 रुपए तय की गई है, यानी अब दुकानदार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। कोरोना का डर दिखाकर लोग जरूरी सामानों की कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त एक्शन की बात भी कर रही है, जिससे लोगों को राहत मिले। बुलेटिन के अंत में बात करते हैं लोगों के राहत से जुड़ी खबर की। कोरोना वायरस को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट की एक भविष्यवाणी आपको फिर से खोई हुई आशा दे सकती है। लगभग पूरी दुनिया कोरोना का कहर देख चुकी है। कोरोना से दहशत में जी रहे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, मॉल बाजार सब बंद हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई है। इन सब के बीच राहत की खबर सामने आई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट ने एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि नोबेल कोरोना वायरस को जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ने दुनिया को एक बूस्टर शॉट दिया है। ये इस समय महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है। रसायन विज्ञान में 2013 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लेविट ने इससे पहले चीन में महामारी के बारे में भविष्यवाणी की थी। चीन में ये महामारी विनाशकारी प्रकोप लेकर आएगी। माइकल ने कहा, हमें कोरोना वायरस के आतंक को नियंत्रित करने के लिए जो करना चाहिए हम कर रहे हैं।
सब ठीक होने जा रहा है। अमेरिका भी इस महामारी से जल्द छुटकारा पालेगा। लेविट का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फ्लू के खिलाफ टीकाकरण दोनों ही प्रसार रोकने के लिए जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।